अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार साथियों, परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कौन सा पेपर जिसकी बेहद डिमांड है और जिसको आप बार 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 आप मिस कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर हिंदी। और हिंदी का नाम आते ही आपके जहन में डॉक्टर राघव प्रकाश जी की छवि उभरती है, ये मैं समझ सकती हूँ। तो दोस्तों, इस बार जो हिंदी का एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, डॉक्टर राघव प्रकाश जी तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उनकी टीम उनके साथ होगी जो आपके सामने पूरे हिंदी के 150 प्रश्न रखेंगे। और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ, आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास करती हूँ कि इस हिंदी के जो 150 प्रश्न है, उन 150 प्रश्नों को करने के बाद न केवल आप अपने आप में एक आत्मविश्वास को महसूस करेंगे, बल्कि आप तैयार होंगे जो है आपका हिंदी का पेपर उसके टेस्ट को देने के लिए। और आप अपने आप को एक संबल महसूस करेंगे कि यस, अब हम हिंदी का पेपर दे सकते हैं। तो हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा किए गए एनालिसिस को आप देखिए और हिंदी पर अपनी पकड़ को मजबूत करिए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी का टेस्ट फर्स्ट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की, और साथ ही जिसमें शिक्षण विधियां भी शामिल हैं, और साथ ही जो आपकी रचनाएं लगी हुई हैं, चाहे वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की हों, चाहे आपके यूजी लेवल की हों, तो उन रचनाओं को लेकर और हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हैं डॉक्टर किरण शर्मा और डॉक्टर रीता गौड़। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रीता गौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर किरण शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों। चलिए तो हम अपने प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमारा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई, पंक्ति के रचयिता हैं। दोस्तों विकल्प देखते हैं, पहला विकल्प है केशव, दूसरा है नानक, तीसरा तुलसी और चौथा शेख नवी। इससे पहले कि हम इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करें, हम इन पंक्तियों को समझ लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पंक्ति का अर्थ है परहित यानी दूसरों की भलाई करने के समान इस संसार में कोई भी अन्य धर्म नहीं है। पर पीड़ासम नहीं अधमाई, और दूसरों को कष्ट देने से के समान कोई भी निम्न या नीचतापूर्ण कार्य नहीं है। ये तो हुआ पंक्ति का अर्थ। तो आइए उत्तर की बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर होगा तुलसी। और आप सभी इस बात को भी जान लें कि जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं तुलसी के द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो किसकी पंक्तियां हैं? पंक्तियां पढ़कर आपको अनुमान हो गया होगा कि पंक्तियां जो है भारतेंदु हरिश्चंद की है। अगर हम प्रश्न के उत्तर पर पहले बात करें, साथियों हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग के प्रसिद्ध जो प्रवर्तक है भारतेंदु हरिश्चंद, उन्होंने पंक्तियां लिखी। और किस समय लिखी? जब अंग्रेजी राज्य हावी होता जा रहा था भारत के ऊपर, और अंग्रेजी राज्य के साथ साथ अंग्रेज जो थे वो अंग्रेजी भाषा को भी भारतीयों पर लागू कर रहे थे, हावी कर रहे थे कि भाई अंग्रेजी भाषा में ही सारा राजकाज को सीखने पर बल दिया जा रहा था। तब उन्होंने ये पंक्तियां लिखी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि अपनी भाषा को सीखने से ही या अपनी भाषा को जानने से ही हमारी सारी उन्नति जो है अपनी भाषा को सीखने के ही मूल में है, उसकी जड़ में है। और अगर हमने अपनी भाषा को नहीं सीखा तो हमारे हृदय की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, जो कष्ट है, उसे हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो सही उत्तर ये तीनों ही जो है वो अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों जो विकल्प हैं ये हैं तो आधुनिक काल के ही, लेकिन भारतेंदु युग से संबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही हैं, वही आधुनिक युग के सूत्रधार भी माने जाते हैं। तो आगे प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम एक सामान्य सी बात आप लोगों को कह दें कि इस पेपर में आपको कई ऐसी पंक्तियां मिलेंगी, क्योंकि कई बार आपने देखे होंगे आपके पिछले पेपर अगर आपने उठाकर देखे हैं तो ऐसी कई प्रसिद्ध पंक्तियां वहां पर है। तो हमें ये तथ्यात्मक प्रश्न याद करने होंगे, पंक्तियां भी हृदयंगम करनी होंगी और उन्हें समझना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, उजड़ ग्राम के रचनाकार हैं, आपके पास चार ऑप्शन है फिर से। देखिए, पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा पंडित रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है हमारे पास हरिऔध। तो सही उत्तर होगा इसका
श्रीधर पाठक श्रीधर पाठक जो हैं आपके द्विवेदी युग के कवि हैं आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गोल्ड स्मिथ एक अंग्रेजी विद्वान, उनकी रचना ट्रेवलर का अनुवाद आपने श्रांत पथिक के नाम से किया, क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि द्विवेदी युग अनुदित कृतियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंतावाद का प्रवर्तक माना है। और इसी तरीके से श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम एक अंग्रेजी की रचना है, डेजर्टेड विलेज, इस डेजर्टेड विलेज का हिंदी रूपांतर किया उजड़ ग्राम के नाम से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो फिर से अगला प्रश्न है हमारा, मिलन किसकी रचना है। तो देखिए जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं साथियों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, आप सभी जानते हैं कि आपको 10 से 15 प्रश्न तो हिंदी साहित्य के वहां बिल्कुल मिलेंगे ही। तो मिलन किसकी रचना है, फिर देखिए चार ऑप्शन है आपके पास में, चार ऑप्शन में से बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका राम नरेश त्रिपाठी। अब हम देख लें कि राम नरेश त्रिपाठी ने ही अपनी और भी कई रचनाएं लिखी है, जैसे मिलन 1917 में लिखी इन्होंने, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में और स्वप्न 1929 में। देखिए दोस्तों हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि यहां पर प्रश्न मिलन के संबंध में है, हो सकता है कि प्रश्न पत्र में किसी अन्य राम नरेश त्रिपाठी की रचना पर प्रश्न पूछ लिया जाए। तो अगर आपके पास ये सारे विकल्प होंगे, आपके पास सारी जानकारी होगी, तो आप हर प्रश्न का अच्छी तरह से उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि कई बार जो है मैम आरपीसी क्या करती है कि प्रश्न जब बनाती है तो वो ऑप्शन में मिलान करो या प्रथम रचना कौन सी है, द्वितीय कौन सी, इस आधार पर भी देती है। तो इस तरह से अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको सारे प्रश्न जो है सही रूप में मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो अभी हमने आपसे बात की थी, तो ऐसा प्रश्न आपको मिल सकता है। हालांकि ये सारी रचनाएं जो है मैम देखिए, तो यहाँ पर सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन हमें यहाँ सन पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए पहला विकल्प है भारत भारती, दूसरा है रंग में भंग, तीसरा साकेत और चौथा पंचवटी है। चारों ही जो है रचनाएं मैथिली जी की है, लेकिन अब अगर आपको सन याद है बिल्कुल सही रचना का तही उत्तर होगा, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो आइए इसकी जानकारी भी ले लें। तो देखिए हमने साथ ही में आपको यहाँ पर दिए हैं रंग में भंग उनकी सबसे पहली रचना 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित हुई, भारत भारती इसी तरह 1912 में आई है, और किसान 1917 में, पंचवटी 1925 में, स्वदेश संगीत भी 1925 में, और झनकार जो है वो 1929 में, और साकेत उनकी जो सबसे अधिक कीर्ति का आधार प्रसिद्ध रचना 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। तो इस तरह आप जो भी कवि या जो भी इतिहास के प्रश्न करते हैं उनकी रचनाओं को ध्यान में रखकर उनके सन के अनुसार करेंगे तो आसानी से आप अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल सा प्रश्न आ गया है मैम इन लोगों के लिए, बिल्कुल छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, बहुत ही सरल प्रश्न है। विकल्प देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा पहला विकल्प है, दूसरा है पंत, तीसरा मुकुटधर पांडे और चौथा जयशंकर प्रसाद। अब मैम हो सकता है कि हम इनको अगर प्रश्न का उत्तर बताएं उससे पहले मिस्टेक कर दें और जयशंकर प्रसाद दे दें, दे दें, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं और झरना इनकी पहली रचना है, आंसू है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, मुकुटधर पांडे। अब देख लीजिए इसका विश्लेषण भी एक बार आप। हाँ देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित एक पत्रिका में 1920 में एक लेख प्रकाशित किया और उस लेख का शीर्षक था हिंदी में छायावाद। और इसमें सबसे पहली बात तो ये जो लेख था उनका वो चार किश्तों में प्रकाशित हुआ, यानी चार पत्रिकाओं के संस्करणों में प्रकाशित हुआ। और इसमें पहली बार उन्होंने इस काव्यधारा के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जो प्रयोक्ता के रूप में है वो मुकुटधर पांडे ही जाने जाते हैं जिन्होंने छायावाद को छायावाद नाम दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो देखिए भक्ति काल से संबंधित प्रश्न आ गया है और जब चार इनके पास आचार्य आ गए हैं तो चारों आचार्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल राधा बल्लभ संप्रदाय अगर हम उत्तर पर बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा हित हरिवंश। अब जब हमने उत्तर तो जान लिया है तो हम जो तीन ऑप्शन हमारे पास हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तो
वल्लभाचार्य जी हम जानते हैं कि शुद्धा द्वैतवाद या पुष्टि मार्ग को लेकर आए। पुष्टि का अर्थ हम सभी जानते हैं कि पोषण करना। जो अष्ट छाप के आठ कवि थे मैम, वो क्या करते थे, श्रीनाथ के मंदिर में आठों पहर ईश्वर की पुष्टि करते थे, श्रीनाथ जी की पुष्टि करते थे, पोषण करते थे, तो यानी अपनी भक्ति भावना का पोषण करते थे, तो इस तरह से। और शुद्धा द्वैतवाद, इस पर अगर आप चर्चा करें तो मैम। हाँ, तो ये शुद्धा द्वैतवाद यानी शुद्ध और अद्वैत दोनों चीजें मिल गई, यानी अद्वैत यानी आत्मा और परमात्मा के बीच एकता, और उस एकता का भी एकदम शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप जहां माना गया उसको शुद्धा द्वैतवाद कहा गया। तो इसके जो है वो संस्थापक वल्लभाचार्य जी हैं। फिर हम विष्णु स्वामी की बात करें तो ये रुद्र संप्रदाय को लेकर आए। रुद्र संप्रदाय भी अगर बात करते हैं तो हम वैष्णवों का ही एक संप्रदाय था, और शिव को लेकर जहां पर कार्य हुआ है, शिव को लेकर जहां पर जो आराधना की गई। हित हरिवंश हमने कहा ही है कि मैम राधा वल्लभ संप्रदाय है, और निम्बार्क जहां पर द्वैता द्वैतावाद, द्वैता द्वैतावाद, तो यानी कि इन्होंने अद्वैत और द्वैत दोनों पर जो है वो ईश्वर और आत्मा और परमात्मा की जो इन्होंने स्थापना की है, जो इन्होंने आत्मा और परमात्मा का किरण जी स्वतंत्र रूप भी माना और कहीं कहीं एकता भी स्थापित की, इस तरीके से हम इसको द्वैता द्वैतवाद को समझेंगे। आइए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया किरण जी, बिल्कुल तो सही है। तो देखिए फिर आपके पास चार जो है यहाँ पर कवि आए हैं, और प्रश्न देखकर आपको अनुमान हो गया कि चारों ही कवि रीतिकाल के हैं। सबसे पहली बात तो अगर ये बात करते हैं तो, लेकिन अब इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां कई एग्जाम में आ भी चुकी है ये, तो इसका सही उत्तर तो है, आप सभी लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, बिहारी की पंक्तियां हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए तंत्रीनाथ जो है मैम वहां पर बात हो रही है वीणा के स्वर की, वीणा के झनकार की, कवित रस बात हो रही है काव्य के रस की, और रति रंग की बात हो रही है तो प्रेम के अनुराग की बात हो रही है। तो अगर इन तीनों रंग में अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से डूब जाता है वो व्यक्ति तो तर जाता है, और जो डूबता नहीं है वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से डूब जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास की बात, विरोधात्मक सौंदर्य दिखाई दे रहा है, विरोधाभास अलंकार। आगे चले जी। तो फिर अगला प्रश्न हमारा, ये भी रीतिकाल से संबंधित है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। फिर आपके सामने चार ऑप्शन आ गए, पद्माकर, बी है घनानंद, सी केशव, और डी सेनापति। तो फिर इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सेनापति, सेनापति, क्योंकि रीतिकाल में अगर हम देखें तो प्रकृति को लेकर विशेष रूप से जिन्होंने काव्य लिखा है वो सेनापति है, और ये आपके पाठ्य पुस्तक में है भी सेनापति, और आपने वहां पढ़ा भी है, और जो भी रीतिकाल की रचनाएं पढ़ लेता है उसे अपने आप इस बात का बोध तो हो ही जाता है कि ऋतु वर्णन यानी सेनापति का पर्याय है। चलिए केशव को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगर बात करें घनानंद जो है वो प्रेम की पीर के कवि हैं, और पद्माकर जो है उनके काव्य में हमें भक्ति और हमें वीरता और श्रृंगार की त्रिवेणी मिलती है। और फिर हम एक बात और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, देखिए सेनापति रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करते हैं। बिल्कुल, इनका एक ग्रंथ है प्रसिद्ध कवित्त रत्नाकर, और इसमें ऋतु वर्णन नाम से एक अलग तरंग है, यानी तरंग मतलब उसका अध्याय है उस पुस्तक का, उसमें उन्होंने पूरा ही प्रकृति चित्रण पर, प्रकृति चित्रण ऋतु वर्णन की बात की है, की बात तो इसे भी आप दोस्तों ध्यान में रख लेंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न फिर देखिए, देव माया प्रपंच नाटक के लेखक हैं। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें अगर हम देखें मैम तो नाटक पर हम बात कर लें कि नाटक और ये सारे कवि जो हमारे रीतिकाल के, तो रीतिकाल के यहाँ पर अब जितने भी कवि उन्होंने क्या नाटक लिखे हैं, लिखे ये तो बड़े आश्चर्य का सब प्रश्न हो गया। तो देखिए बच्चे जरूर सोचने में लग गए होंगे कि कौन से नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो बिहारी ने कोई नाटक नहीं लिखा, क्योंकि बिहारी ने बिहारी सस्ताई लिखा है। पद्माकर ने जो है उसने भी नाटक नहीं लिखे, घनानंद ने भी नहीं लिखे, तो यहाँ पर देव ने नाटक लिखा, और वो भी मेरे ख्याल एक ही नाटक, एक नाटक लिखा, और उसका भी उन्होंने पद्य अनुवाद किया है, यानी नाटक भी पद्यात्मक ही है, गद्य रचना नहीं है। और ये प्रबोध चंद्रोदय नामक जो एक नाटक है उसका पद्यानुवाद है, उसका अनुवाद है, ये भी आप दोस्तों ध्यान में रख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फिर आपके सामने एक तथ्यात्मक और हिंदी साहित्य के इतिहास का ही प्रश्न आया है, और ये परिभाषा में विद्यार्थियों को अच्छी तरह से याद होगी। तो देखिए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है। फिर आपके सामने चार नाम है, चार नाम में से मैम दो नाम पर विद्यार्थियों को जो हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम जो भी पंक्तियां ऐसी प्रसिद्ध आती है शुक्ल जी के ऊपर नाम टिका देते हैं और उन्हीं को सही करते हैं। तो विद्यार्थियों ये नाम किसने दिए हैं, नगेंद्र ने दिए हैं। तो आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, रहस्यवाद की ये परिभाषा किसने दी। ये परिभाषा भी किरण जी बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल, और कई बार एग्जाम में आई है मैम, ये परीक्षा आती है, बिल्कुल आती है। और इसके विकल्पों की बात करें
तो ए विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल तो सही पंक्तियां जो है, कहां सही है आपका चिंतन किस दिशा में चल रहा है? देखिए इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अब इन पंक्तियों को थोड़ा समझ लेंगे दोस्तों कि जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है, यानी जब हम आत्मा और परमात्मा की मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर एकता की बात करते हैं, वहां तो वो हो गया अद्वैतवाद। लेकिन जब वही बात हमारी भावना, हमारे हृदय के स्तर पर आ जाती है तो वो शुक्ल जी ने उसे रहस्यवाद नाम दिया। यानी अद्वैतवाद तो दोनों ही जगह है, दोनों ही स्थितियों में है। अद्वैतवाद तो अद्वैतवाद जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है ही, लेकिन रहस्यवाद में भी अद्वैतवाद है, लेकिन वो भावना के साथ है। स्तर है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। अगला प्रश्न है हमारा रीतिकाल से संबंधित एक और प्रश्न आ गया है। बिल्कुल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? विकल्प देखिए दोस्तों, ए मतिराम, बी चिंतामणि, सी बिहारी और डी केशवदास। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो चिंतामणि से ही रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं, यानी कि प्रवर्तक के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। और अगर हम आगे जाते हैं, हम इसके अगले ऑप्शन की ओर जाते हैं, हम तो यहाँ पर हमें एक नाम मिल रहा है केशवदास। तो हम इस तथ्य को भी जान ले साथियों, कुछ भी डॉक्टर केशवदास को भी कहते हैं। बिल्कुल। तो जो नगेंद्र है मैम, वो बिल्कुल ये कहते हैं कि केशवदास को वो रीतिकाल का प्रवर्तक मानकर चलते हैं। यानी विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना और केशव को किसने माना। इससे भी आपके घुमा फिरा कर कभी भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। इस वाक्य पर भी प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र किसको रीतिकाल का प्रवर्तक। डॉक्टर नगेंद्र तो रीति काव्य की भूमिका करके इतिहास लिखा भी है, वहीं पर इन्होंने इस बात की स्थापना की है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, शुक्ल जी ने मौन मधि की पुकार का कवि किसे कहा है? सेनापति, घनानंद, केशवदास या चिंतामणि। तो शुक्ल जी जब ऐसी युक्तियां लेकर आते हैं तो वो किसके विषय में होती है? बिल्कुल घनानंद जी के बारे में उन्होंने कहा है। इवन उन्होंने घनानंद को ही प्रेम का पीर का कवि भी कहा है, और ब्रज भाषा का सबसे सुकवि अगर कहा है, प्रवीण कवि कहा है, तो घनानंद को ही उन्होंने कहा है। और बिल्कुल, और घनानंद का काव्य है ही वियोग का काव्य, जहाँ पर पीड़ा, प्रेम की निश्चल, विरह की निश्चल अनुभूतियां वहां दिखाई देती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा तथ्यात्मक है, साहित्य से संबंधित है। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, ये किसकी पंक्तियां हैं? फिर यहाँ पर जो है चार ऑप्शन आपके साथ में है, तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां विद्यार्थियों आपको आती होगी। ये बिल्कुल कहा है भिकारी दास ने कहा है, और ये ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न तो मैम विद्यार्थियों को याद करने होंगे। ये तो पंक्तियों की बात, जैसा कि पहले आपने कहा था कि विद्यार्थियों को इस तरह की जो प्रसिद्ध साहित्यिक पंक्तियां हैं वो तो हृदय में बिठानी, कंठस्थ करनी ही होंगी। अगर इन्हें अपने एक एक प्रश्नों पर पकड़ बनानी है और एक प्रश्न को भी गलत नहीं करना है तो ये कठिन कार्य तो इनको करना ही होगा, और ये अभ्यास के द्वारा हो भी जाता है और आपने कर भी लिया है ऐसा। काफी कुछ तो कर चुके होंगे सभी लोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 71वां प्रश्न, भाषा भूषण की रचना किसने की है? भी तथ्यात्मक प्रश्न है, जसवंत सिंह ने की है। यहीं पर हम और जसवंत सिंह की रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं और भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। यानी जिस तरह से भाषा भूषण की रचनाकार के विषय में पूछा गया है, उसी तरह से अन्य कृतियों पर भी बात की जा सकती है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको जसवंत सिंह की सारी रचनाएं याद हो, उनकी जानकारी आपके पास हो, इसलिए ये यहाँ पर बता दिया गया है। आप जब भी अपने कवि का, किसी लेखक का, किसी साहित्यकार का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी सारी रचनाएं जो भी प्रसिद्ध है उन्हें एक बार अपने हाथ से लिखकर जरूर निकालनी चाहिए, ताकि आपको याद हो जाए और कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। चलिए प्रश्न पे चले। बिल्कुल, अगला प्रश्न है हमारा तथ्यात्मक, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर पहले से जानते होंगे। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी उसने कहा था, और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये, और इनके यूजी के पाठ्यक्रम में भी है, तो पाठ्यक्रम से भी आपको प्रश्न मिलेंगे ही इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर कथन के रूप में आ गया है, तो साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? पहले विकल्प में है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरे में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे में है गणपति चंद्र गुप्त और चौथे में आचार्य शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल,
और बिल्कुल इसका सही उत्तर भी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपने अगर हिंदी साहित्य की किताबों को पढ़ा है तो ये पंक्ति आपको कंठस्थ होगी। इस पंक्ति में तो कोई भी विद्यार्थी गलत कर ही नहीं सकता है। साथ ही अगर हम यहाँ पर चर्चा कर ले मैम थोड़ी सी, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है उनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है जो 1938 में निकला था। हिंदी साहित्य की भूमिका हो गई, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास इस तरह से। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में निकला शुक्ल जी तो है ही उसके रचनाकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 74वां प्रश्न, ये भी तथ्यात्मक है। मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? पहले विकल्प में आप देख रहे हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड, बी गारसा दत्तासी, सी जॉर्ज ग्रिगरसन और डी फादर कामिल बुल्के। तो फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रिगरसन। ये भी तथ्यात्मक है। और आगे चलते आप हैं। इस बात को भी जानते हैं कि जॉर्ज ग्रिगरसन ने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य में काल विभाजन को प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर एक दूसरा नाम ये देख रहे हैं अगर विद्यार्थी गारसा दत्तासी, तो ये इतिहास लेखन की परंपरा का श्रीगणेश करने वाले इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल, ये हमने एक तथ्यात्मक जानकारी और आपको लिखित रूप में दे दी है जिसे आप पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 75वां प्रश्न, अभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो पहले तो मैम हम मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो इस प्रश्न के ऑप्शन पर चर्चा करने से पहले हम प्रश्न पर ही चर्चा कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए अभ्रंश का वाल्मीकि, तो यानी कि वाल्मीकि क्यों कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि वाल्मीकि ने क्या किया सबसे पहले? आदिकाव्य लिखा था रामायण। आदिकाव्य लिखा तो रामायण, और जिसके नायक कौन थे? राम। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभ्रंश का वाल्मीकि यानी कि अभ्रंश में राम को आधार बनाकर काव्य लिखने वाले कौन है, सबसे प्राचीनतम कौन है? इसीलिए यहाँ पर अभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। बिल्कुल। और फिर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखिए ए है पुष्पदंत, बी अब्दुल रहमान, सी स्वयंभू और डी राम सिंह। और सही उत्तर होगा उत्तर है स्वयंभू, जिन्होंने राम को लेकर अपना काव्य लिखा है। और यहाँ पर ये तथ्यात्मक जानकारी है दोस्तों आपके सामने, 783 के आसपास के कवि हैं और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं पौम चरियु, रिठदेमी चरियु और स्वयंभू छंद, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्हीं को अभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ये भी बहुत तथ्यात्मक प्रश्न, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न और कई बार आरपीसी के एग्जाम में मैम ये आ चुका है। कई बार अप्रमाणिक, कई बार अर्ध प्रमाणिक और कई बार जो है वो प्रमाणिक के रूप में ये प्रश्न आपको अनेक आरपीसी के प्रश्न माला में मिलता ही है। तो चलिए, पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। विकल्प है दोस्तों, पहला विकल्प मिश्र बंधु, दूसरा कर्नल टॉड, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा आचार्य शुक्ल। तो फिर विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि वो अपने इस उत्तर को लगाने से पहले प्रश्न पर देख ले कि क्या पूछा गया उनसे। बिल्कुल अप्रामाणिक जो है वो, कहीं तो भ्रम के कारण उत्तर गलत ना हो जाए, अक्सर विद्यार्थी इस प्रकार की गलती कर दिया करते हैं। तो सही उत्तर तो इसका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और फिर हम इस बात को जानते हैं कि मिश्र बंधुओं ने क्या माना है इसे, प्रामाणिक। कर्नल टॉड ने भी प्रामाणिक माना, द्विवेदी जी ने अर्ध प्रामाणिक कहा है और शुक्ल जी ने अप्रामाणिक बताया है। तो आपका उत्तर डी उत्तर सही है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर है। और आप जानते हैं कि मैम इन्होंने तो इसको पूरा जाली ग्रंथ तक कह दिया है कि जो ये है बिल्कुल अप्रमाणिक कृति है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? इसके विकल्प हैं दोस्तों, पहला श्याम सुंदर दास, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा पुरोहित हरिनारायण शर्मा और चौथा दादू। तो क्या विचार है आपका, कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही विकल्प होगा पुरोहित हरिनारायण शर्मा। और सुंदर ग्रंथावली में सुंदरदास के दोहे संकलित हैं और इसका संकलन करने वाले हैं पुरोहित हरिनारायण शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुखमनी के रचयिता कौन है? ए विकल्प गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अर्जुन देव और चौथा गुरु अमरदास। तो ये भी बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। बिल्कुल। और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। ये अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? आपके विकल्प हैं मलूकदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा सुंदरदास और चौथा रैदास। तो सही उत्तर होगा कबीरदास। ये तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कबीर के काव्य में अगर हम देखें तो हमें शांत रस जो आभा दिखाई देगी। श्रृंगार रस के बिल्कुल विरोधी कवि थे, नारी को तो बिल्कुल इन्होंने अपने काव्य से उपेक्षित कर दिया था, केवल भगिनी जननी ये रूप जो थे, पतिव्रता स्त्री का भी थोड़ा सा प्रशंसा, कामिनी नारी की इन्होंने बहुत निंदा की है। तो श्रृंगार रस के तो विरोधी होंगे ही। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। ये एक फिर पंक्ति आ गई है, प्रश्न में जो है प्रश्न की भरमार है।
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास या फिर कबीर। तो इसका सही उत्तर होगा मलूकदास। और ऐसी पंक्तियां विद्यार्थियों को साथ साथ याद करनी ही। वैसे भी कंठस्थ होंगी विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। विकल्प हैं आपके दोस्तों ए कुतुबन, बी मंजन, सी जायसी और डी उस्मान। तो फिर प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले या उत्तर पर चर्चा करने से पहले सभी साथी ये जान लें कि ये चारों ही जो कवि हैं ये सारे हमारे सूफी काव्य धारा के हैं। बिल्कुल, और सूफी काव्य परंपरा के हैं, तो इनकी रचनाओं के नाम हमें याद होने ही चाहिए क्योंकि तरह तरह से पूछे जाते हैं ये हर परीक्षा में। तो देखिए इसका सही उत्तर पे बात कर लें। तो इसका सही उत्तर है मंजन। तो फिर हम यहाँ पर इन चारों कवियों की रचनाओं को देख लेते हैं। कुतुबन की है मृगावती, मंजन की मधुमालती आई गई है, जायसी का पद्मावत सभी विद्यार्थी जानते होंगे और उस्मान की चित्रावली। तो आपको इस तरह से जितने भी कवि हैं उनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध एक एक कृतियों को तो याद करना होगा। सूफी काव्य परंपरा की ये बहुत ही उल्लेखनीय रचनाएं हैं सभी, तो इन सभी के रचनाकार विद्यार्थियों को याद होने चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेख नवी की रचना इनमें से कौन सी है? ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है। ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दुहा और चंदायन। तो सही उत्तर तो इसका हो जाएगा ज्ञानदीप। बिल्कुल, तो सही उत्तर के साथ ही फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह की हो गई, ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की है और चंदायन मुल्ला दाऊद। ये सभी प्रसिद्ध कृतियां हैं और ये तो कंठस्थ होनी ही चाहिए। आगे चले, अगला प्रश्न है हमारा जिसका सही उत्तर होगा जायसी, क्योंकि हम सभी जानते हैं मानुष प्रेम बहु पैकंटी, तो इसका अर्थ ही हो जाएगा कि अगर मनुष्य प्रेम है, अगर मनुष्य प्रेम और भ्रातृत्व की भावना है तो इस संसार को ही हम बैकुंठ के समान या स्वर्ग के समान, भाईचारे की बात है, कुल भाईचारे की बात है और ये इनके पद्मावत की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल, अगला प्रश्न है हमारा फिर अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? पहला विकल्प आ रहा है 1500 ईस्वी, दूसरा आ रहा है 1550 ईस्वी और तीसरा 1565 और चौथा 1600 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1565 ईस्वी। और इसके साथ ही बिल्कुल इसके साथ ही हम चर्चा कर लें कि अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विट्ठलनाथ जी ने की है। तो विट्ठलनाथ जी कौन है? पल्लवाचार्य के पुत्र थे और हम जानते हैं कि अष्टछाप में 8 कवियों का समूह है, तो 4 कवि तो इसमें पल्लवाचार्य जी के हो गए और 4 जो है इसमें विट्ठलनाथ जी के हो जाएंगे। तो पल्लवाचार्य के 4 जो कवि है वो कौन से हो गए? कुंभन दास, परमानंद दास, सूदास और कृष्णदास। इसी तरह विट्ठल के 4 सदस्य गोविंद स्वामी, नंददास, छी स्वामी और चतुर्भुजदास। कई बार जो है मैम इनसे प्रश्न पूछा जाता है, एक जो है वो यहाँ पर सुंदरदास का नाम दे दिया जाता है। कई बार ऐसी परीक्षाएं आरपीएससी में आयोजित हुई है तो वहां पर ऐसे प्रश्न है, तो विद्यार्थियों आप इन 8 नामों को याद रखें और कंठस्थ करने होंगे और एक प्रश्न आपके पास ऐसा आया तो आप आसानी से उसमें 2 नंबर ले सकते हैं और बड़ी आसानी से नाम याद भी हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला उद्धव शतक की रचना में इनमें से किस कवि ने की है? या उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? ए ऑप्शन है नंददास, बी सूरदास, सी सत्यनारायण कविरत्न और डी जगन्नाथदास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथदास रत्नाकर। अब इन 4 ऑप्शन के साथ जो है 3 और जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए नंददास का भंवर गीत लिखा, सूरदास का भ्रमर गीत सभी जानते हैं और सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत लिखा और इसका उत्तर तो यहाँ पर है ही। इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा पूरा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई? ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष 3 माह, सी है 2 वर्ष 7 माह और डी 3 वर्ष। तो इसका तथ्यात्मक प्रश्न है ये। 2 वर्ष 7 महीने में शुक्ल जी ने माना है कि रामचरितमानस की रचना हुई होगी और ये कई किताबों में आपको मान लीजिए यहाँ पर 7 माह मिल रहा है तो कहीं आपको 6 माह मिलेगा कहीं आपको, लेकिन 2 वर्ष से 6 महीने की अवधि तो इन्होंने ली ही है। तो आप अपने ऑप्शन को देखकर उसके लमसम जो आपको मिलेगा उसके अनुसार आप सही कीजिएगा, क्योंकि केवल 2 वर्ष में नहीं की इन्होंने 4 से 3 माह भी नहीं लगाया और न 3 वर्ष लगाया। तो आप अपने वहां पर जब बैठे हो आप एग्जामिनेशन हॉल में तो कहीं आप ये ना कहें कि 2 वर्ष 7 माह, वहां पर आपको 6 माह भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है परीक्षक पर कि वो किस ऑप्शन से क्या आपको दे रहा है। अगले प्रश्न पर चलें। बिल्कुल, तो अगला प्रश्न है हमारा श्रद्धा का व्यापार स्थल किस प्रकार का होता है? देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, श्रद्धा और भक्ति निबंध है शुक्ल जी का, उस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है दोस्तों संकुचित, दूसरा है विस्तृत, तीसरा एकांतिक
और चौथा है स्वार्थ केंद्रित। तो सबसे पहले इसके उत्तर पर बात हो जाए, उसके बाद उसे समझ लेंगे हम। बिल्कुल, देखिए बी विकल्प बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि श्रद्धा और भक्ति निबंध में उन्होंने श्रद्धा और प्रेम में जहां अंतर बताया है, वहां पर प्रेम को तो एकांतिक बताया है और श्रद्धा को विस्तृत बताया है। देखिए यहां पर ये पंक्तियां भी दी हुई है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। तो विस्तार की बात हो रही है, कुल मिलाकर की बात। और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जब हम श्रद्धा करते हैं, जिससे हम श्रद्धा करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे बहुत सारे लोग उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं हम कभी नहीं चाहते कि कोई दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रेम करे। इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है वो विस्तृत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं, वाक्य आनंदी के किस भाव को व्यक्त करता है? पहला विकल्प है पश्चाताप, दूसरा क्षमा, तीसरा स्नेह और चौथा है उदारता। तो मैम प्रश्न के उत्तर बताने से पहले आप थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। हाँ, कि आनंदी और किस कहानी से, कौन सी पात्र है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रश्न है दोस्तों ये प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है बड़े घर की बेटी, उस पर आधारित प्रश्न है और ये कथन है उसकी महत्वपूर्ण पात्र आनंदी से संबंधित। और ये किस भाव, किस प्रसंग में है ये आपको ध्यान होगा, जब लाल बिहारी में और भाई बहन भाइयों में दोनों में बहुत मनमुटाव की स्थिति हो जाती है और एक घी के प्रसंग को लेकर के मनमुटाव पहले देवर भाभी से शुरू होता है और वो पूरे परिवार को जकड़ लेता है वो प्रसंग, और पूरा परिवार और जो टूटने के कगार पर आ जाता है और लाल बिहारी घर को छोड़ने की बात करता है और भाई कहता है कि मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। उस स्थिति में आनंदी अपने देवर को मनाती है, उसे क्षमा करती है और संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए अपने अहंकार, अपने क्षुद्र स्वार्थ को त्याग देती है। तो निश्चित रूप से इस पंक्ति से जो भाव प्रकट हो रहा है, देखिए इसमें पश्चाताप तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, क्षमा थोड़ी बहुत है, बिल्कुल, स्नेह थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा भाव है? उदारता। क्योंकि क्षमा और स्नेह भी उदारता के व्यक्तित्व में ही दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने तो बिल्कुल, तो यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा, नहीं तो चारों ही ऑप्शन जो है उनको सही लगेंगे। पश्चाताप कर रही है, क्षमा कर रही है, सब ये उदारता की ओर ध्यान जाएगा ही नहीं। मैम बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाएगा, आप बिल्कुल इन भावों को समझकर अपने प्रश्न के उत्तर को पढ़कर दो तीन बार पढ़ें। देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि लाल बिहारी की उद्दंडता को भूलकर उसे क्षमा कर देती है और संयुक्त परिवार को बिखरने से बचाने के लिए अपने तुच्छ अहंकार का विलय कर देती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, छुअत से लाभई नारी सुहाई पंक्ति के माध्यम से किस स्त्री की ओर संकेत किया गया है? रामचरितमानस पर आधारित पंक्ति है ये और निश्चित रूप से स्पष्ट है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और सी विकल्प इसका और सभी साथी जानते हैं कि शिला कौन बन गई थी, कौन सी स्त्री थी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की ओर संकेत किया गया है, जिन्हें गौतम ऋषि के शाप के कारण शिला में परिवर्तित हो जाना पड़ा और उसका उद्धार जो है वो राम के चरणों के स्पर्श से होना था और जब राम वन में गए तो उन्होंने उस शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया और वो वापस नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कवि को ईश्वर की स्मृति कहाँ दिखाई देती है? पहली बात तो दोस्तों ये प्रभो जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता पर आधारित प्रश्न तो है, इनके पाठ्यक्रम से भी जो इनको पाठ्यक्रम में 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल उन प्रश्नों में से, ये सभी अभी तक जितने भी प्रश्न हमने चर्चा की है ये सारे प्रश्न इनके पाठ्यक्रम से ही संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है, कवि को ईश्वर की स्मृति चांदनी में दिखाई देती है और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि ये पंक्तियां हैं प्रभु कविता की कि तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को। यदि कवि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? ईश्वर से कह रहे हैं कि जिसे तुम्हारी स्मित यानी मुस्कुराहट देखनी हो तो वे चांदनी में तुम्हारी मुस्कुराहट देख सकता है। मुस्कुराहट, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर पंक्ति में रेखांकित पद का क्या अर्थ है? और रेखांकित पद क्या है? निद्रित कलियों। सबसे पहली बात, ये निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत पर आधारित प्रश्न है और इसमें निद्रित कलियों का जो अर्थ है वो है सोए हुए जीवन। और इसको हम कैसे समझेंगे उन पूरी पंक्तियों को, देखिए यहाँ पर पराधीन भारत, जिस समय ये कविता लिखी गई अभी न होगा मेरा अंत, उस समय पराधीन था हमारा देश
और जन चेतना का अभाव था। तो जो सोया हुआ जनमानस है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कवि, जैसे उनमें जो है स्वतंत्रता की भावना है, ओज की, अधिकारों के प्रति जागरूकता और ये सब जगाना चाहते हैं। तो उन्होंने सुप्त जो सोया हुआ भारतीय जनमानस है उसकी तुलना की है नींद में डूबी हुई कलियों से, यानी बंद कलियां, जब पुष्प बनने से पहले जो कलियां बंद होती हैं उनसे तुलना की है। और इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रभात की किरणों के स्पर्श से कलियां खिल जाती हैं, ऐसे ही मेरे सुखद स्वप्नों के कोमल स्पर्श से सोए हुए जो भारतीय नागरिक हैं वो वापस अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, एक चेतना का संचार होगा। तो ये सी विकल्प सोए हुए जीवन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड किसे कहा गया है? ये प्रश्न पेशोला की प्रतिध्वनि कविता पर शंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। और इसके विकल्प हैं दोस्तों, उत्साहहीन भारतवासियों को, सूर्य को, दोनों को, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य को। इसका उत्तर है दोस्तों सी, दोनों को, क्योंकि यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण करेंगे हम, समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न इस तरीके से आए कि वहां पर उत्साहहीन भारतवासी विकल्प ही नहीं है, बिल्कुल सूर्य है, तो सूर्य हमारे लिए उत्तर होगा। अगर मान लीजिए सूर्य विकल्प नहीं है और उत्साहहीन भारतीय, तो ये विकल्प होगा। लेकिन हमने यहाँ दोनों विकल्प इसलिए रखे हैं जिससे विद्यार्थियों को आगे किसी भी तरह से इस पर प्रश्न पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि सामान्य जो अर्थ है इसका, निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, निर्धूम मतलब धुएं से रहित, भस्म यानी प्रचंडता जो होती है सूर्य की उससे भी रहित है, लेकिन जलता हुआ गोला है वो, ऐसा है। क्यों इसको कहा गया? साधारण अर्थ में तो ये सूर्य के लिए है, क्यों? पश्चिम में जब पश्चिम की तरफ अस्त हो रहा है तो अस्त होते समय जो कोई ज्वाला, कोई ओज और कोई ताप, तेजस्विता भी नहीं रहती। लेकिन इसका जो प्रतीकार्थ है वो है उत्साहहीन भारतवासी। क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिमी देश इंग्लैंड, तो पश्चिम का आकाश है वो तो पश्चिमी देश इंग्लैंड का प्रतीक हो गया, और उसमें जो सूर्य है वो किसका प्रतीक हो गया? तेजस्विता खो बैठे भारत का। इसलिए यहाँ पर दोनों विकल्प सही होंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है हमारा, निराला अपने हृदय में किसकी स्मृति जगाना चाहते हैं? पहला विकल्प देशभक्तों की, दूसरा परिवारजनों की, तीसरा मातृभूमि की आंसुओं से धुली हुई मूर्ति की, और चौथा दुर्गा माँ की। ये उनकी मातृवंदना कविता से लिया गया है प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्न है ये। और इसका सही विकल्प है सी, मातृभूमि की आंसुओं से धुली हुई मूर्ति को वो अपने हृदय में जगाना चाहते हैं, उसकी स्मृति को वो अपने हृदय में साकार करना चाहते हैं। और इसकी जो पंक्तियां हैं वो इस तरीके से हैं, कवि कह रहे हैं कि जागो मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धौत विमल, यानी मेरे उर यानी मेरे हृदय में हे माँ तेरी अश्रु जल से धुली हुई निर्मल मूर्ति। अश्रु जल से धुली हुई क्यों कहा है? कि संवेदना से भरी हुई, करुणा से भरी हुई मूर्ति मेरे हृदय में साकार हो जाए। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे अगला प्रश्न है हमारा, एक नील कमल कम होने पर राम के हृदय में कौन सी स्मृति जगी? तो देखिए सबसे पहले तो मैम अगर इस पर बात करें तो निराला की कौन सी कृति की पंक्तियां हैं? बात है राम की शक्ति पूजा की, और प्रसंग कौन सा है? आराधना के लिए मां की चरण की बैठे हैं, और अंतिम चरण है 108 कमल में से 107 कमल राम मां के चरणों में अर्पित कर चुके हैं, और मां भी अपने भक्त को पूरी तरह से परखना चाहती हैं, और एक 108वां कमल वो चुरा कर ले जाती हैं। राम ध्यान में है और वो जब हाथ बढ़ाते हैं नील कमल के लिए तो वो मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रसंग पर आधारित है कि कौन सी स्मृति उनके हृदय में जागी। तो पहला विकल्प है सीता की, दूसरा माता कौशल्या द्वारा राजीव नयन कहने की, तीसरा केकई द्वारा वनवास देने की, और चौथा पिता के देहावसान की। तो इसमें दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों, माता कौशल्या द्वारा राजीव नयन कहने की, उन्हें याद आता है ये पंक्ति है उसमें, राम को जब नील कमल नहीं मिलता तब वो अपने आप से कहते हैं, पहले सोचते हैं कि इसका क्या उत्तर हो, कैसा विकल्प इसका हो, क्या समाधान हो इस समस्या का कि मैं नील कमल की कमी को पूरा कर सकूं, और मन ही मन वो अपने आप से बात कर रहे हैं यह है उपाय, यानी एक उपाय उनको सूझ जाता है। निराशा से भरे हुए राम के मन में फिर से एक उपाय सामने आता है। कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, जैसे घन बादलों की गर्जना भरे स्वर में अपने आप से कहा, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, कि मुझे राजीव नयन बचपन में माँ कहा करती थी, तो आज मेरे सामने दो नील कमल मेरे पास हैं, उसमें से एक अर्पित कर, मैं नेत्र रूपी नील कमल की बात हो रही है, और मैं अपना ये आराधना का कार्य पूरा करूंगा और सिद्धि प्राप्त करूंगा।
चलिए आगे चलते हैं। कवि के अनुसार क्षमा किसकी शोभा बढ़ाती है? पहली बात रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र पर आधारित पंक्तियां हैं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला विषयुक्त सर्प की, विषरहित सर्प की, मणिधारी और शेषनाग की। तो इसमें सही उत्तर है विषयुक्त सर्प की। और ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, तीसरे सर्ग से ली गई हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। और ये पंक्तियां कई बार हम दोहराते हैं। बहुत जुबान पर चढ़ी हुई पंक्तियां हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि क्षमा उसी को शोभायमान होती है, उसी सर्प को जिसके पास गरल यानी विष हो। और इन दो पंक्तियों में ही ये किरण जी देखे ये उत्तर समाया हुआ है कि विषयुक्त सर्प की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा पंक्ति किससे संबंधित है? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है निराला की, जागो फिर एक बार। उसी पर आधारित प्रश्न। विकल्प देखिए दोस्तों, गुरु नानक पहला विकल्प, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु रामदास और चौथे गुरु गोविंद सिंह। तो यही इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अब इसको देख लें हम। देखिए ये पंक्तियां हैं जो कविता में लिखी गई हैं, जिससे ये उत्तर आपको इस उत्तर की पुष्टि हो जाएगी। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा। गोविंद सिंह से गोविंद सिंह जी के लिए ही आया है ये। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। अगला प्रश्न है हमारा, उषा कविता में कवि ने स्लेट किसे कहा है? पहला विकल्प पृथ्वी को, दूसरा चौके को, तीसरा आंगन को, और को कर लेंगे विद्यार्थियों इसे, डी भोर के आकाश को। सबसे पहली बात, ये शमशेर की कविता, शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवादी कवि और प्रगतिशील त्रयी के एक कवियों में से एक हैं, और इनकी कविता पर आधारित ये प्रश्न है। और इसका सही विकल्प है भोर के आकाश को, क्योंकि उषा की बात आ रही है। हाँ, तो ये वही भोर के आकाश से ही होगा, न पृथ्वी होगी, न चौका होगा, न आंगन होगा। तो अब देखिए इसमें ये पंक्तियां हैं जहां से शुरू होती है, प्रात नभथा, प्रातःकालीन उषाकालीन आकाश की बात कर रहे हैं कवि, और उन्हें कैसा लग रहा है, बहुत नीला शंख है जैसे। और उसके बाद अंतिम पंक्तियों में, ये तो शुरुआत की दोनों पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, यानी भोर का जो आकाश है वो उनको कैसा लग रहा है, जैसे किसी काली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मल दी हो, क्योंकि आकाश की लालिमा और आकाश का रंग मिलकर उन्हें इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है। उषा की जो लालिमा है वो पूरे आकाश पर छा गई है और इसलिए कवि को वो स्लेट की तरह दिखाई दे रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर हम अपने। अगला प्रश्न है हमारा, कवि कल और आज कविता में किसमें जान आने की बात कर रहे हैं? पहला विकल्प है धूप की झुलसी शिराओं में, दूसरा पक्षियों में, तीसरा खेतों में और चौथा जीवन में। ये उत्तर सही है इसका, ए विकल्प, धूप की झुलसी शिराओं में बात कर रहे हैं। और ये है नागार्जुन की कल और आज कविता पर आधारित प्रश्न, और ये पंक्तियां हैं जिन पर ये प्रश्न बना हुआ है, आ गई वापस जान। यहाँ पर कल किरण जी गर्मी का प्रतीक है, गर्मी के दिन जहां पर सारी वनस्पतियां झुलस गई हैं, जल गई हैं, और आज है वर्षा ऋतु का, वर्षा ऋतु आ गई है। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो झुलसी हुई जो धूप है या धूप वो है, उसमें वापस जैसे जान आ जाती है, उस प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सही विकल्प है धूप की झुलसी शिराओं, जैसा कि इन पंक्तियों से भी स्पष्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, कवि ने आयु का अश्वत्थ किसे कहा है? पहला विकल्प है नई पीढ़ी को, दूसरा पुरानी संस्कारशील पीढ़ी को, तीसरा दोनों को, या फिर किसी को नहीं। इसका सही उत्तर है पुरानी संस्कारशील पीढ़ी को कवि ने आयु का अश्वत्थ, अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें नए नए शब्दों को हम सीखने का जो है वो एक प्रयास कर रहे हैं। और ये श्री नरेश मेहता की एक बोध कविता है, एक बोध कविता पर आधारित प्रश्न है, इनके पाठ्यक्रम की कविता है, बिल्कुल। नवयुग को अपनाने के फेर में पड़े संस्कारशील मनुष्य के सम्मुख अपने अस्तित्व को खोने का संकट उत्पन्न हो गया है। नई पीढ़ी है, बिल्कुल। देखिए कवि क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने संस्कारशील लोग हैं, जब उनको नए के साथ ढलना पड़ता है, नए वातावरण में, तो वो अपने पुराने संस्कार तो छोड़ नहीं पाते, बिल्कुल, और नए को स्वीकार अच्छी तरह नहीं कर पाते। अगर वो नयों को स्वीकार करते हैं तो संस्कार पिछड़ जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो रहा है, संकट में है।
तो इसलिए ये पंक्तियां कवि ने लिखी हैं। हम आयु के अश्वत्थ, अपनी छांह भी स्वीकार जिसको है नहीं, यानी हम जिन संस्कारों में पले हैं उसमें भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमें तो आगे निरंतर बढ़ते जाना है, नए के साथ तालमेल बिठाना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी के ज्वर पीड़ित होने पर अलोपी क्या औषधि लाया। तो ये अलोपी पाठ में से पाठ आ गया, संस्मरण पर बात हो गई, इतनी देर से काव्य पर चर्चा हो रही थी, अब गद्यात्मक प्रश्न आ गया, गद्य पर आधारित प्रश्न। पहला विकल्प है दोस्तों, अलोपी देवी की भभूत लाया, आयुर्वेदिक औषधि लाया, अंग्रेजी दवाई लाया या यूनानी दवाई लाया। तो आप लोग सब समझ गए होंगे, सबने पढ़ा होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, अलोपी देवी की भभूत लेकर आया, क्योंकि उसमें महादेवी जी ने ये लिखा है कि जो अलोपी था वो एक निर्धन बालक था और उसका जन्म अलोपी देवी की कृपा से ही हुआ था, तो उसकी आस्था बहुत थी अलोपी में, अलोपी देवी में। तो जब महादेवी वर्मा को बुखार आया और उसे पता चला, तो वो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए अलोपी देवी की भभूत लेकर आया। इसका देखिए यहाँ भी ये चर्चा की गई है, ये अलोपी जो व्यक्ति है निर्धन छात्र बालक था, निर्धन छात्रावास में सब्जियां लाता था, कार्यकर्ता, और वही बातें हैं कि अलोपी देवी की कृपा से जन्मा, अतः अलोपी देवी में उसकी आस्था थी। और ये भी आप विद्यार्थियों साथियों ध्यान रखें कि ये संस्मरण है, आपसे पूछा जा सकता है कि अलोपी किस विधा के अंतर्गत, किस विधा के अंतर्गत, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कैसे भी घुमा फिरा कर आपके पास प्रश्न आ सकता है, आपको पूरा अध्ययन पूरा अच्छी तरह पूरी पकड़ बनानी है अपने पाठ्यक्रम पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए आत्मपरिचय कविता के आधार पर बताइए कि कवि के अनुसार जग किसको पूछता है। हरिवंश राय बच्चन की कविता की बात हो रही है दोस्तों। आत्मपरिचय पहला विकल्प है, जो जग की प्रशंसा करते हैं, जो जग की परवाह नहीं करते, जिसने गहन प्रेम किया है या जो समय के पाबंद है, तो इसमें पहला विकल्प सही है। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर जग केवल उन्हीं को पूछता है जो उनकी तारीफ करते हैं, ये आज के जमाने का सच है। और देखिए यहाँ पर ये पंक्तियां भी दे दी गई हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, यानी जो जग की प्रशंसा करते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, तो ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये उत्तर, इसकी पुष्टि हो रही है इन पंक्तियों से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात प्रश्न है हमारा 120, फिर आपकी गद्य विधा को लेकर आए हैं, गद्य रचना आ गई, गेहूं और गुलाब निबंध में, गेहूं और गुलाब में निहित प्रतीकार्थ है, तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और इसके निबंधकार भी राम वृक्ष बेनीपुरी है। और देखिए, भूख और बेरोजगारी है गेहूं और गुलाब के, शोषक या शोषित, आवश्यकता और विलासिता या भौतिकता और मानसिक तृप्ति। तो एक बार तो इन साथियों को इस प्रश्न का उत्तर खोजने में अपनी जद्दोजहद और मानसिक जो है पूरा तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन देखे जाए तो एक से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन जिसने निबंध बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो इसका सही उत्तर दे पाएगा। चलिए सही उत्तर है अपने, डी विकल्प इसका सही है, भौतिकता और मानसिक तृप्ति की बात की जा रही है। देखिए यहाँ वो पंक्तियां भी दी गई हैं, गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं, एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है, शरीर यानी भौतिकता, मानसिक तृप्ति यानी गुलाब, बिल्कुल, तो ये दोनों प्रतीक हो गए, गेहूं है भौतिकता का प्रतीक और गुलाब है मानसिक। और अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा हो रीता मैम, तो ऐसा लगता है कि गेहूं को व्यक्ति आवश्यकता से जोड़ देगा और गुलाब को विलासिता से जोड़कर, बिल्कुल बहुत ही कन्फ्यूजन, बहुत ही अच्छा आपने जो है विद्यार्थियों को सोचने के लिए और बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनाया है। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने, अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध प्रकाशित हुए थे। देखिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए शुक्ल जी के निबंध तो पाठ्यक्रम में होते ही हैं। लोभ और प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, भय, उत्साह, मित्रता, ये बहुत सारे निबंध और भी हैं, गद्य का विकास और इस तरह के भी, और ये छोटी कक्षाओं से प्रारंभ जाते हैं 11वीं-12वीं से, और आगे यूजी और पीजी के लेवल तक भी हम इनका अध्ययन करते हैं शुक्ल जी के निबंधों का। तो ऐसी स्थिति में शुक्ल जी के विषय में, उनके निबंधों के विषय में जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए। तो देखिए इसके ऑप्शन है विशाल भारत पत्रिका में, इंदु में, नागरी प्रचारिणी में या सरस्वती पत्रिका में। तो इसका सही विकल्प है नागरी प्रचारिणी पत्रिका में छपे। अब ये क्या है नागरी प्रचारिणी, इसके विषय में विद्यार्थियों को बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें जानना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है, और ये 1896 में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा, नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा, और इसके संपादक मंडल में थे श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास। ये तो हुई नागरी प्रचारिणी पत्रिका की बात, जिसमें रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध प्रकाशित हुए। बाकी तीन पत्रिकाओं पर भी बात कर लें, क्योंकि तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए विशाल भारत 1928 में कोलकाता से प्रकाशित,
बनारसी दास चतुर्वेदी इसके प्रथम संपादक थे। इंदु पत्रिका सभी जानते होंगे 1909 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित। सरस्वती पत्रिका से तो कोई अछूता रहा ही नहीं। सरस्वती पत्रिका तो साहित्य, हिंदी साहित्य जगत में की प्राण शक्ति है एक तरह की। 1900 में शुरू हुआ इसका संपादन और जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास के द्वारा प्रकाशित हुई और 1903 में इसका कार्यभार संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक के रूप में कार्य करते रहे और इसी के द्वारा उन्होंने अपने साहित्यिक जो दायित्व थे उनको बहुत अच्छे तरीके से निभाया और सबसे बड़ा कार्य जो भाषा के क्षेत्र में खड़ी बोली को जो स्थापित किया उसमें इस पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाषा को व्याकरण सम्मत बनाना, उसे परिष्कृत करना, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए बहुत ही रोचक प्रश्न, सभी विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी असाध्य वीणा कविता अज्ञेय की, उसी पर आधारित प्रश्न। रानी ने वीणा का स्वर सुनकर क्या किया? तो असाध्य वीणा हाँ, थी वो भी साध्य हो गई, स्वर निकलने लगे, और रानी पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए ए विकल्प है प्रियंवद की, उसने प्रशंसा की। बी है सतलड़ी माला अर्पित की, उसकी आरती उतारी या फिर उसकी वंदना की। तो रानी है तो वो तो अपनी सतलड़ी माला ही अर्पित उतारेगी। तो देखिए बी विकल्प सही है और ये पंक्तियां भी हम देख लेते हैं। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, ये पंक्तियां कविता में आती हैं तो इस उत्तर की यहाँ पर पुष्टि हो रही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, पंक्ति में कवि किसके मूल कारण की बात कर रहे हैं? पहला विकल्प है द्रोहाग्नि की, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा करुणा या चौथा लोलुपता। निश्चित रूप से विकल्प अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ए सही है, द्रोहाग्नि की बात हो सकती है, हो रही है, मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य के हृदय में द्रोहाग्नि का मूल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो द्वेष से रहित होता है। मूल रूप से मनुष्य का हृदय पवित्र भावनाओं से, द्वेष से रहित होता है, ऐसी स्थिति में द्रोहाग्नि वहां पर निवास नहीं होती। कुरुक्षेत्र का प्रसंग है, प्रथम सर्ग पर आधारित प्रश्न है। अब देखिए ये पंक्तियां हैं, इनसे समझ लेंगे इसको। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय, कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से युद्ध करना नहीं चाहता। फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से, जो कुटिल मनोवृत्ति, विकृत मनोवृत्ति, हिंसक मनोवृत्ति वाले लोग हैं, उनके एक दूसरे के प्रभाव के फलस्वरूप ये द्रोहाग्नि की लपटें समाज में लालच के कारण ये इसका सही विकल्प है ए, तो द्रोहाग्नि के मूल की बात यहाँ पर हो रही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। फिर देखिए शुक्ल जी का ही प्रश्न लिया आपने। शुक्ल जी के अनुसार किस प्रकार की वीरता में साहस और प्रयत्न दोनों चरमोत्कर्ष पर हैं? अब ये प्रश्न है शुक्ल जी के निबंध उत्साह पर आधारित। पहला विकल्प है धर्मवीरता, दूसरा है कर्मवीरता, तीसरा युद्ध वीरता और चौथा है दान वीरता। तो इसका सही उत्तर युद्ध वीरता है, क्योंकि साहस और प्रयत्न जो है वो दोनों युद्ध वीरता में होते हैं। देखिए ये पंक्तियां हैं शुक्ल जी के निबंध की, इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यही यहाँ पर उत्तर आ गया इसका और स्पष्ट है कि इसका विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा। सब भेदभाव भुलवाकर दुख सुख को दृश्य बनाता, मानव कह रहे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड बन जाता। नीड शब्द में प्रसाद का भाव निहित है। पहली बात तो कामायनी पर आधारित प्रश्न है, उसके आनंद सर्ग पर आधारित ये प्रश्न है। अब इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्रेम एवं उल्लासपूर्ण विश्व, दूसरा अहमपूर्ण विश्व, तीसरा अशक्त विश्व और चौथा मैं का भाव लिए विश्व। और इसका सही उत्तर है प्रेम एवं उल्लासपूर्ण विश्व। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे दोस्तों, कि देखिए यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा जयशंकर प्रसाद वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही मेरा परिवार है, ये संदेश को दे रहे हैं। क्योंकि जिस समय ये कृति लिखी गई कामायनी, उस समय हमारा जो देश था, देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा था। 1936 के आसपास की रचना है और उस समय वसुधैव कुटुंबकम यानी शांति सौहार्द, बिल्कुल कुटुंब की तरह हो, ये भावना प्रचारित करना बहुत जरूरी था।
तो इस आवश्यकता को कवि ने समझा और ये पंक्तियां लिखी। यहाँ पर नीड शब्द का सामान्य अर्थ तो देखिए है घोंसला, लेकिन यहाँ साहित्यिक अर्थ है कि समस्त विश्व ही एक घोंसले अर्थात एक कुटुंब में परिवर्तित हो जाए, कवि की ये लोक कल्याण की भावना और सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाए। तो इसलिए पहला विकल्प प्रेम एवं उल्लासपूर्ण विश्व बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को प्रथम रचना पर मिलने वाली पुरस्कार राशि थी। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना से हमने इस प्रश्न को लिया है और यहाँ पर अगर आपने उस रचना का अध्ययन किया है तो आप सभी जानते हैं कि 51 रूपए इसके बिल्कुल सही है उत्तर। और ये भी जो है इसके और हम तथ्यात्मक रूप से अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार से शैवाल सत्यार्थी जो है वो इनसे इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, उसके संदर्भ में बात आई थी। और इनके बड़े भाई ने जो है इनको एक व्यंग के रूप में कह दिया था कि रोज तुम प्रभात फेरी के लिए चले जाते हो तो स्वराज्य स्वराज्य करते हो, तो स्वराज्य पर कोई कविता लिखो और इनाम जीत कर बताओ। और उसी समय मैम जो है इनके पास देश सेवा शीर्षक पर कविताएं लिखने का एक इन्होंने आमंत्रण पढ़ा और वहां पर उन्होंने चुपचाप बिना किसी को कहे कविता लिख कर दी। भाई की बात की चोट लग गई, चोट लग गई और उन्होंने वहां लिख दी। तो देखिए तीन बड़े बड़े कवियों के साथ साथ इन्हें भी 51 रूपये का पुरस्कार इस कविता के लिए मिला। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हम आदिकाल से ही और हम कहें इतिहासकार के रूप में, हम कहें एकांकीकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, हम कहें कि सब पर अपनी कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रतिभा है। आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 रूपए। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई के अनुसार मीरा की भक्ति है। अब ये तो बड़ा ही जाना पहचाना और चिर परिचित सा प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा कांता भाव। तो फिर यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, सख्य भाव की भक्ति के लिए सूरदास प्रसिद्ध है, दास्य भाव की भक्ति के लिए तुलसी है और पुष्टि मार्गीय फिर हम अगर कहें बल्लभाचार्य इसको लेकर आते हैं और श्रीनाथ जी और पुष्टि पोषण के माध्यम से। और कांता भाव, कांता का अर्थ हो गया पत्नी, कांत हो गया पति। तो जहाँ श्री कृष्ण को पत्नी मानकर भक्ति की कांता भाव, इसके अन्य नाम माधुर्य प्रेमा भाव की भक्ति और कई रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न, फिर अगला प्रश्न हमारा, लोग है लागी कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्ति किस कवि की है? तो साथियों ये आपके पाठ्यक्रम में घनानंद सिलेबस में है आपके और हम सभी जानते हैं कि घनानंद ने कहा है ये, क्योंकि लोग तो कवित को लिखकर अपने आप को स्थापित कर रहे थे, अपने नाम और यश को प्राप्त कर रहे पूर्वक कवित बना बिल्कुल, क्योंकि वहां रीतिकाल में आश्रदाता के पास में उन्हें जाना है तो उन्हें अपने कवित को बिल्कुल मेहनत के साथ बनाकर उस पर अशर्फी ले दी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो क्या करता हूँ, मेरे कवित मुझे बनाएंगे, मेरे अस्तित्व को, यानी उनके हृदय से स्फुरित कविता है उनका बिल्कुल। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं घनानंद जी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, राजिया कवि कृपाराम का क्या लगता था? तथ्यात्मक प्रश्न है और सेवक लगता था और आप इससे संबंध जान गए होंगे, कृपाराम खीड़िया हैं, उन्होंने राजिया रा सोठा जो प्रसिद्ध कृति के रूप में से लिखा है। तो मैम ये जो राजिया था इसके क्या था कि कोई संतान नहीं थी, तो इसने अपने कृपाराम को कहा, अपने मालिक को कहा कि मैं संसार में कैसे याद किया जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरी सेवा करते हो, तो आज से जो मैं अपने सोठे हैं वो तुझे समर्पित कर देता हूँ, संसार में तेरी जो कृति तुझे यश मिलेगा, राजिया रा सोठा। तो जो हम राजिया रा सोठा है, राजिया कोई और नहीं है, इनका एक सेवक का नाम, जिसके नाम पर उन्होंने अपने सोरठे समर्पित कर दिए। ये होती है साहित्यकार की उदारता बिल्कुल। फिर अगला प्रश्न है हमारा, रणवीरा रो खूटो किस शहर को कहा गया है? तो देखिए मैम ये भी जो है कन्हैयालाल सेठिया की कविता से लिया गया है, ये धरती स्वर्ग की जो है वो राजस्थान की भूमि की जो है विशेषता बात आई है यहाँ पर। तो चार धरती धोरा दी बिल्कुल आपने सही कहा, तो धरती धोरा में चार जो हमारे ये आए हैं बीकानेर, जैसलमेर, अलवर और चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल सही उत्तर तो होगा क्योंकि जो अपना किला है चित्तौड़ का किला उसको कहा गया है। और लेकिन अन्य स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी पंक्तियां देखिए, बीकानेर को उन्होंने अपनी इस कविता में गर्वीला कहा है कि गर्व से भरा हुआ है। तो जैसलमेर को कहा कि सीमांत छोर पर खड़ा हुआ है और अलवर हटीला है, जबर हटीला है और चित्तौड़गढ़ तो रणबांकुरों का वीरों का केंद्र है। तो सही उत्तर चित्तौड़गढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर अपने, अब देखिए यहाँ से मैम इनके जो प्रश्न शुरू होंगे वो शिक्षण विधियों के हैं। तो शिक्षण विधियों के इनके फिक्स है कि 20 प्रश्न इनको अपनी परीक्षा में मिलेंगे ही, तो उन पर हम सिलसिलेवार एक दृष्टिपात। पहला प्रश्न देखिए, शिक्षण विधियों से संबंधित, किस विधि में भाषा संघटना पर बल दिया जाता है? पहला विकल्प है सैनिक विधि, दूसरा अनुवाद विधि, तीसरा प्रत्यक्ष विधि और चौथा सूत्र विधि। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा सैनिक विधि। हम अपनी कक्षा में पढ़ चुके हैं और आपने अध्ययन भी कर लिया होगा विद्यार्थियों का कि
सैनिक विधि में क्या कहता है, भाषा की संघटना पर भाषा का निर्माण किया जाता है, इसे हम आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर कथनों के माध्यम से अपनी बात को कैसे पहुंचाना है, उस समय ये विधि काम की गई थी। तो स्वाभाविक संवादों पर, मौखिक कथनों पर ये विशेष रूप से काम करती है विधि, अभ्यास करवाया जा रहा है बिल्कुल, और भाषा के संगठन पर बल दिया जा रहा है, इसलिए खास बात है ये है। तो इसीलिए भाषा की संगठना की बात जहां आएगी वो सैनिक विधि ही होगी, और फिर यहां पर जो है वो आर्मी मेथड अगर अन्य नाम से आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे श्रव्य भाष्य सेना भी कहा जाता है, इसे विधि परिस्मरण विधि इसलिए कहा जाता है मैम क्योंकि शिक्षक जब इस विधि को काम में लेते हैं तो शिक्षक का अनुकरण, शिक्षक क्या करता है, अपने विद्यार्थियों को ये भाषा सिखाता है, तो विद्यार्थी अनुकरण करेंगे। अब शिक्षक ने जो बोला है उसे वो पूर्ण रूप से स्मरण करके बोलेगा, तो भाषा संघटना यहाँ पर बहुत काम करती है, इसीलिए इसे कहा जाता है परिस्मरण बिल्कुल। और जो तथ्यात्मक जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है तो आप उसे पढ़ ही लेंगे। अनुवाद विधि हम सब जानते हैं, दूसरी भाषा में जो लिखा हुआ है उसे अपनी भाषा में अनुवाद करना, और प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई वस्तु दिखाकर हम बात करें तो प्रत्यक्ष विधि हो गई, और सूत्र विधि संस्कृत से आई है, व्याकरण के नियमों को सूत्रों से याद करना, तो इसका सही उत्तर सैनिक विधि होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए, सस्वर वाचन की दक्षता के लिए आप बालक में किन किन कुशलताओं का विकास चाहेंगे? पहला विकल्प है उच्चारण की शुद्धता, दूसरा वाचन में प्रवाह, तीसरा वाचन की स्पष्टता, और चौथा होगा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर हम वाचन करवा रहे हैं और सस्वर वाचन करवा रहे हैं हम, तो ये सब जो है वो विद्यार्थी में गुण विकसित होंगे ही। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है। तो देखिए जब हम किसी भी कक्षा में जाते हैं तो किसी भी कक्षा में जाने से पहले हम क्या करते हैं, पाठ योजना का निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसका सबसे प्रमुख जो है वो मुख्य बिंदु क्या होता है? पहला विकल्प है प्रस्तुतीकरण, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा नियमीकरण, और चौथा सहायक सामग्री। तो इस प्रश्न में हम ये भी देख ले कि मुख्य बिंदु पर बात हो रही है ना, ये सब तो इसके हैं ही, लेकिन मुख्य बिंदु क्या होगा? सबसे प्रस्तुतीकरण, सबसे पहले हम अपनी पाठ योजना का प्रस्तुतीकरण किस रूप में करेंगे, तो सही उत्तर ये है। फिर इसके साथ में मैंने जो है इनको एक परिभाषा भी दी है कि अपनी कक्षा में प्रभावी कार्य करने के लिए, उस शिक्षण को सफल बनाने के लिए हम प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बाइनिंग की एक परिभाषा भी है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उन उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन तथा क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, और प्रस्तुतीकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना। इसीलिए यहाँ पर प्रस्तुतीकरण जो है वो पाठ योजना का मुख्य बिंदु हो गया, इसके बिना आप अपनी पाठ योजना, इस परिभाषा से तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, पुष्टि हो गई इस उत्तर की, और इस परिभाषा को लेकर अगर एग्जाम में प्रश्न भी आता है तो विद्यार्थियों का एक और प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल अगला प्रश्न है हमारा। अब देखिए शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का सर्वाधिक महत्व है, सर्वाधिक पर ध्यान देना है दोस्तों। पहला विकल्प को रोचक, शिक्षण को रोचक बनाती है, यह शिक्षण को सरल बनाती है, यह शिक्षण को जीवंत बनाती है, यह शिक्षण को समय बचाने वाला बनाती है। तो ये तीनों ऑप्शन भी बिल्कुल सही है अगर देखा जाए तो, ए बी बी और डी बी, लेकिन हम कह रहे हैं कि सर्वाधिक की बात हो रही है, कि हम जो अमूर्त रूप में पढ़ रहे हैं उसे एक मूर्त रूप जो प्रदान कर रही है और जीवंतता जो दे रही है वो श्रव्य दृश्य सामग्री का काम होता है। इस तरह से इसका सही उत्तर, ये शिक्षण को जीवंत बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, फिर देखिए पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है, शिक्षक का उद्देश्य बिल्कुल क्यों वो पाठ योजना को तैयार कर रहा है। पहला विकल्प है पाठ की विस्तृत जानकारी करना, प्रभावी शिक्षण, रटने पर अधिक बल देना, अधिकारी के आदेश का पालन करना। तो अगर ये तीनों ही ऑप्शन हम देखें तो पाठ की विस्तृत तैयारी, तो अगर पाठ योजना नहीं बनाएगा तो भी उसे करना ही है, और उसे अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जो कार्य करने वो करने ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहता है, विद्यार्थियों तक वो सब पहुंचाना चाहता है, विषय वस्तु जो भी उसने तैयार की है, तो इसका सही उत्तर प्रभावी शिक्षण होगा। फिर हम ये बोसिंग की एक परिभाषा भी है, पाठ योजना वह शीर्षक है जिसमें कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को निश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो यानी कि प्रभावी शिक्षण इस परिभाषा से फिर हमारा जो है वो ये उत्तर पुष्ट हो गया बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। पहला विकल्प है कमजोर छात्रों का पता लगाने के लिए, दूसरा प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, तीसरा दोनों प्रकार के छात्रों का पता लगाने के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने अपनी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं या परीक्षाओं मूल्यांकन पद्धति पर अगर आपने अध्ययन किया है तो आप सही इसके सही उत्तर के साथ होंगे, कमजोर छात्रों का पता लगाने के लिए निदान, क्योंकि निदान शब्द में ही इसका उत्तर छिपा है बिल्कुल, क्योंकि हम अपने कमजोर छात्रों का पता लगाकर फिर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण जो है वो प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली से छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है? और इसके विकल्प देखिए, निगमन प्रणाली से, सहयोग प्रणाली से, पाठ्य पुस्तक प्रणाली से, या
आगमन प्रणाली से। तो ये सब इनके शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही आती है और अगर हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है तो हम बिल्कुल सही उत्तर के साथ होंगे कि आगमन प्रणाली से। बिल्कुल आगमन प्रणाली से, इसलिए क्योंकि आगमन प्रणाली में क्या होगा कि पहले हम उदाहरण बताते हैं बच्चों को, उदाहरण से हम नियम की ओर लेकर जा रहे हैं और जितने उदाहरण हम बताएंगे, जितने हम विद्यार्थियों के सामने वस्तुएं रखेंगे, विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वो अपनी सहभागिता को निभाएंगे। इसलिए क्योंकि निगमन प्रणाली में तो क्या होगा, नियम बताए जाएंगे, सहयोग में आपसी सहयोग, तो वहां कोई होगा क्रियाशील, कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो सारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे और पाठ्य पुस्तक प्रणाली से भी छात्रों की क्रियाशीलता इतनी अधिक नहीं बढ़ेगी। तो सही, यानी कि ये व्यवहार से सिद्धांत की ओर जाने की प्रणाली हो गई। बिल्कुल, ये हम विशिष्ट से जो है वो सामान्य की ओर जा रहे हैं। इसमें भी यहाँ भी लिखा गया है, देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं और यंग की एक परिभाषा दी है, इस विधिक में बाल विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर, यानी कि हमने उन्हें वस्तुएं बता दी है, कुछ स्थूल तथ्य उनको दे दिए हैं, अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत नियम आदि सूत्र तक पहुंचता है और जब स्वयं पहुंचेगा तो वो अपने आप ही जो है वो क्रियाशील हो जाएगा, तो यंग की रचनात्मकता जागृत हो गई है। तो यंग की इस परिभाषा से हमारा ये उत्तर और भी पुष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना 138वां प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न कब पूछे जाते हैं। पहला विकल्प है पाठ के प्रारंभ में, दूसरा पाठ के मध्य में, तीसरा पाठ के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं जब भी माइक्रो टीचिंग की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण योजना को जब हम लेकर आते हैं तो वहां पर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए और विषय वस्तु से जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न प्रारंभ में ही पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहचर्य विधि के आविष्कारक कौन है। ए विकल्प मैडम मॉन्टेसरी, बी रायबर्न, सी किलपैट्रिक और डी हर्बर्ट। तो बिल्कुल साहचर्य विधि आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है, मैडम मॉन्टेसरी जो है साहचर्य विधि, साहचर्य का अर्थ हो गया कि हम विद्यार्थियों को सहयोग साथ में लेकर चलते हैं, तो साथ में लेने का मतलब ये हो गया कि उनकी हमने सारी ज्ञानेंद्रियों को आंख हाथ और सबको जो बोलना और बोलने की जो क्रिया, उनके तीन हमने कौशल विकसित कर दिए हैं। इस तरह से मैडम मॉन्टेसरी से लेकर आई है। फिर हम साथ में बात करते हैं तो रायबर्न जो है मैम वो मातृभाषा शिक्षण पर अच्छा ज्यादा बल देते हैं, उनको मातृभाषा में शिक्षा महत्वपूर्ण है, उन्होंने इस शिक्षण से संबंधित जो है अपनी परिभाषाएं दी है। किलपैट्रिक जो है ये प्रायोजना प्रोजेक्ट मेथड को लेकर आते हैं मैम, और हर्बर्ट को तो हम जानते हैं हर्बर्ट ये विधि विधि है, नाम से ही है विधि बिल्कुल, और चार भाग थे और बाद में इनके शिष्य ने एक पद और जोड़ा तो पंचपदीय के नाम से जाने लगी। आगे चलते अगला प्रश्न है हमारा, तो पाठ योजना के प्रथम निर्माणकर्ता थे, तो फिर एक तथ्यात्मक प्रश्न और इसमें से विद्यार्थियों को प्रश्न मिलेगा ही, तो ये विद्यार्थियों को याद करना होगा कि स्पेंसर जो हैं वो प्रथम निर्माणकर्ता के रूप में सामने आए। इसमें से जो मॉरिसन हैं वे तो हेनरी हैरप जो है वो इन्होंने इकाई विधि में विशेष कार्य किया, और कॉल्डवेल कुक को तो आप सभी जानते हैं खेल विधि के प्रवर्तक हैं, तो स्पेंसर जो है यानी ये दोनों तो बिल्कुल इकाई योजना को लेकर और ये खेल विधि के प्रवर्तक के रूप में और ये पाठ योजना के बिल्कुल तो अलग अलग स्पष्ट हो गया, यानी और प्रश्न भी तैयार हो गए, चार प्रश्न जो है विद्यार्थियों के इसके एक प्रश्न में आपने चार प्रश्न जोड़कर बना दिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मॉन्टेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है बिल्कुल, पहला बालक की स्वतंत्रता, दूसरा वैयक्तिक विकास की शिक्षा पर बल, तीसरा खेल द्वारा शिक्षा और चौथा उपर्युक्त सभी। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि मैडम मॉन्टेसरी ने जो विधि थी वो साहचर्य विधि थी और वहां पर हमने देखिए बालक की स्वतंत्रता, वैयक्तिक रूप से सीखेगा वो, वैयक्तिक विकास की शिक्षा पर बल और खेल खेल के माध्यम से उन्होंने उन चीजों को उन वस्तुओं को सिखाने की कोशिश की, यानी उपर्युक्त सभी इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, फिर उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके विकल्प है ए तुलना विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी व्याख्या विधि और डी व्यास विधि। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा व्याख्या विधि, जहां पर ऐसे भी कविताओं की व्याख्या मतलब विद्यार्थी सीखेंगे समझेंगे कैसे समझेंगे, तुलना विधि से हम कर नहीं सकते हैं, प्रश्न पूछकर भी हम कविता के अर्थ को नहीं समझा सकते, और व्यास विधि ये गद्य में अधिकतर काम में आती है। बिल्कुल यहाँ पर अगर हम पद्य की बात करेंगे तो व्याख्या विधि के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो देखिए अब हम प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं और वो भी हम संवाद शिक्षण की बात कर रहे हैं, यानी इन प्रश्न पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा विद्यार्थियों को। दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण है, प्राथमिक स्तर और संवाद शिक्षण। तो यहाँ पर फिर इसके विकल्प हैं, देखिए
ए है आदर्श नाट्य प्रणाली, बी व्याख्या प्रणाली, सी कक्षाभिनय प्रणाली और डी रंगमंच प्रणाली। तो देखिए अब संवाद शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम आदर्श नाट्य प्रणाली भी उन विद्यार्थियों के सामने, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, और न व्याख्या प्रणाली से काम चलेगा और न ही रंगमंच प्रणाली जहां बड़े बड़े जो हमारे अभिनेता अभिनेत्री कलाकार हैं वो संवाद बोलते हैं। तो यहाँ पर तो हमें कक्षा में अभिनय करके ही विद्यार्थियों को संवाद बोलना सिखाया जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की किस विधि में व्यावहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? देखिए फिर आपके सामने पाठ्यपुस्तक प्रणाली, बी आगमन निगमन प्रणाली, सी समवाय और डी भाषा संसर्ग प्रणाली। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि ये चारों ही विधियां जो है व्याकरण के शिक्षण को लेकर काम में ली जाती है, लेकिन अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस विधि में व्यवहारिक पक्ष, यानी कि जहां हमने नियम नहीं बताए हैं, जहां हमने सिद्धांतों पर बात हमने नहीं की है, हमने डायरेक्ट जो है यहाँ पर व्याकरण का ज्ञान और बोलना, भाषा को बोलना सिखा दिया है। तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली तो जैसा हमें बताया जाएगा वैसा ही हमें पढ़ाना है। आगमन निगमन में हमने फिर उदाहरण बताए और उदाहरण से नियम, नियम से फिर हम किसी और वस्तु की ओर गए, और समवाय में क्या होता है कि हम अनेक विधियों का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, मिला लेते हैं और एक नई विधि का निर्माण करते हैं। लेकिन भाषा संसर्ग प्रणाली जो है इसका सही उत्तर होगा, जिस पर सैद्धांतिक नियमों पर काम न करके बच्चों को डायरेक्ट बोलना या भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रणाली से संबंधित कई प्रश्न आपको अपनी पिछली परीक्षाओं में मिले हैं, तो आप विशेष रूप से भाषा व्याकरण की जो विधियां हैं इनका अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। देखिए यहाँ भी लिखा गया है कि भाषा संसर्ग प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने पर बल दिया जाता है। तो यानी व्यवहारिकता के द्वारा, व्यवहारिक धरातल पर बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है और भाषा शिक्षण करवाया जाता है। और व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान देने के लिए तो उपयोगी है ही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है? ए प्रस्तावना, बी आदर्श वाचन, सी भाव विश्लेषण और डी संवेद वाचन। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर होगा तो अगर पद्य पढ़ा रहे हैं तो भाव विश्लेषण ही होगा। भावों के माध्यम से आपने उसका स्वयं स्पष्ट है इसका उत्तर। तो बिल्कुल चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न, पर्यवेक्षण को कुछ विद्वान किस नाम से पुकारते हैं? तथ्यात्मक प्रश्न है। बिल्कुल, और फिर एक विधि को लेकर सामने आया है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पर्यवेक्षण विधि है कि कुछ शिक्षकों के निर्देशन में, उनके अध्ययन में विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने किसी कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर निर्देशित अध्ययन जो है, मैम, शिक्षक ने एक निर्देश दे दिया, उसमें उनका अध्ययन, उनको इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। स्वयं अध्ययन प्रणाली तो विद्यार्थी भटक जाएंगे, साथ ही मनन चिंतन करने प्रणाली ये नहीं रहेगा, क्योंकि निर्देश जैसा दिया गया, जैसा कार्य है, जिस आधार पे उन्हें करना है, उनको मार्गदर्शन मिला है उसके आधार पर ही करना है। तो पर्यवेक्षण को हम निर्देशित अध्ययन प्रणाली के नाम से भी, विधि के नाम से भी जानते हैं, और उपर्युक्त में से कोई नहीं है, तो है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इकाई योजना शिक्षण सत्र के डैश में बनाई जाती है? बिल्कुल, फिर इनका एक पाठ्यक्रम में कोर्स है कि इकाई योजना कब बनाई जाएगी। अच्छा, तो इकाई योजना जो है वो हम सभी जानते हैं, ना तो अंत होगा, ना ही मध्य और ना ही परीक्षाओं से पहले, इकाई योजना पर आरंभ में ही बनाई जाएगी, वरना पूरे सत्र में काम कैसे होगा, कैसे काम होगा, चलिए क्या करना है, इसका कोई उद्देश्य कोई नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य प्रकार निम्न है? बिल्कुल, तो फिर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर तो वैसे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन भी एक जो है वो विधि है, शिक्षण प्रणाली में काम में ली जाती है इसे। और आप सभी ये जान लें कि इसके चार प्रकार होते हैं, ये तीनों ऑप्शन तो इसके हैं ही, लेकिन कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन में कितने प्रकार हैं, चार प्रकार हैं। तो चौथा प्रकार जो इनका है, कंप्यूटर अनुदेशन अभिक्रमित हो जाएगा, जो अपन ने यहाँ पर इनको दिया भी है विद्यार्थियों को, कंप्यूटर आधारित अभिक्रम, जिसमें ये तीनों ही प्रकार जो है वहां पर वो अनुदेशों का प्रयोग होता है, तीनों ही प्रकार के, जो रेखीय, शाखीय और अवरोह, यानी इन तीनों का समाहार इस कंप्यूटर आधारित अभिक्रम में हो जाता है। और चार प्रकार जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन के होते हैं, तीन तो ये हैं ही और चौथा ये हो गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न है हमारा, तो किस शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षण का कार्य करते हैं? पहला विकल्प है दल शिक्षण विधि, बी सैनिक विधि, सी पर्यवेक्षित विधि और डी अभिक्रमित
अनुदेशन। तो विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि दल शिक्षण विधि में जो है वो दो से अधिक कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने विद्यार्थियों के से ही ये स्पष्ट हो गया, आपने विद्यार्थियों के तो दल बनाए हैं लेकिन यहाँ पर आप एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं और उन शिक्षकों के भी आप दल बनाते हैं। यहाँ पर प्रवेक्षित विधि में तो एक शिक्षक से भी कार्य हो सकता है, वो कुशल शिक्षक होना चाहिए, लेकिन दल शिक्षण विधि में एक्सपर्ट की टीम होती है और दो तीन शिक्षक विधिवत रूप से इस दल शिक्षण विधि में तीनों पर पहले बात कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो दल शिक्षण विधि होगा। लास्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, देखिए हम कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि है, खंडवान्वय विधि, समवाय विधि, व्याख्या विधि, अर्थबोध विधि। तो ये सभी विधियां आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई, और हम जानते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि को ही हम खंडवाय खंडान्वय विधि कहते हैं, इसको हम सुकरात विधि भी कहते हैं, जहां पर हमने खंडों का क्या कर लिया है, टुकड़े कर लिए और फिर हमने प्रश्न पूछकर उस विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामने रख दिया, जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से विषय वस्तु को समझ सके। बिल्कुल, तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न। इस तरह से आपने देखा कि आज हमने कई प्रश्नों का विश्लेषण किया, और अगर इन प्रश्नों को रीता मैम अगर ये विद्यार्थी पढ़ते हैं तो विशेष रूप से अपनी आने वाली जो परीक्षा है इनकी उसके लिए काफी मजबूत हो जाएंगे और काफी इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए इन प्रश्न पत्रों को तैयार किया है। और एक प्रश्न में चार चार प्रश्न छिपे हैं। बिल्कुल, तो एक नहीं 150 प्रश्नों के साथ अगर हम बात करें तो हमने कितने प्रश्नों के और अध्ययन यहाँ पर कर लिया है, और आप अपने अध्ययन को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। और अगले टेस्ट सीरीज में फिर हम मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र के साथ, नए प्रश्न पत्र के साथ, और फिर हम नए प्रश्नों पर बात करेंगे और आपके ज्ञान को और भी सुदृढ़ करेंगे, विस्तृत करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।